एंड हम लोग 16 को जाने वाले थे पर नहीं जा पाए, कुछ अनसर्टेनिटी हो गया था इसलिए नहीं जा पाए। एंड शीरो अभी निकल चुका है लाइक 1 घंटे पहले, हम सेम फ्लाइट में ही जाएंगे आई होप। एंड हमारा ऑलरेडी पैक है यहाँ पे बैग, एंड यस इस घर को छोड़ के जाने में बहुत बुरा लगता है बट जो भी होगा मैं बताऊँगी आपको। एंड सो हमारा शाम का फ्लाइट है एंड अभी हम कुछ 5-10 मिनट में निकल जाएंगे, क्या बाहर वेट कर रहा है। सो अब देख सकते हो घर पूरा खाली है, तो हम लोग 2-3 दिन वैसे ही रहे थे विदाउट एनी सामान, क्योंकि हमें एंड मोमेंट में पता चला कि हम नहीं जा रहे 16 को, तो तब तक सामान चला गया था। बट वी हैव सम स्वीट फ्रेंड जिन्होंने हमें हेल्प किया एंड वन ऑफ द स्वीट फ्रेंड इज शूटिंग दिस वीडियो, क्योंकि आज जय अभी ऑफिस का ट्रेनिंग में बिजी है। तो मंजली मुझे हेल्प करी, मंजली इज माई फ्रेंड जिससे आप 2 वीडियोज में देख चुके हो, आईक्या वाली वीडियो में। आईक्या वाली वीडियो के बाद लेटेस्ट जो वीडियो में आपने उनको देखा होगा वो था बर्थडे व्लॉग, जहाँ पे मैंने बोला था ना मेरी फ्रेंड है जो बहुत लंबी है उसने मुझे हेल्प किया बलून्स लगाने में। सो यस नाउ शी इज शूटिंग दिस वीडियो एंड हेल्पिंग मी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और हाँ अभी तो मैं बोली थी आप लोगों के बहुत सारे चेंजेस होने वाले, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंज विच इज हैपनिंग। तो अभी चलेंगे हम घर, आपको दिख रहा होगा कि बहुत खाली है, ये हमारा बेडरूम हुआ करता था, हमारा बेडरूम हुआ करता था, कुछ नहीं है कबर्ड में ना कपड़े हैं ना कुछ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए तो बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, तो चलिए आगे मैं मिलती हूँ आपसे और दिखा दूँ कि एयरपोर्ट में क्या होता है। तो हमारा हम रेडी हो गए जाने के लिए एंड शी इज मंजरी। मैंने उसको मैंने सोचा कि बाद में रोना धोना करेंगे, ये अभी रो के देखे आके सुझा लिए। तो कुछ बोलना है तुम्हें, देखो मैं इतनी छोटी दिख रही यार तुम्हारे सामने, मैं बोल ही नहीं पा रही हूं क्या बोल। चलो डन दे दिए चो, चलिए मैडम बाय बाय, यार रोना धोना नहीं है, कल खत्म, चलिए बाय, मिलते हैं। फाइनली हैदराबाद छोड़ के जाने का टाइम आ गया था एंड हम निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ। हमें यहाँ बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी हैदराबाद छोड़ेंगे। बट एज आई टोल्ड यू, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ, ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट आर आवर मेमोरीज। एंड हैदराबाद में हमारी वैसे बहुत सारी खट्टी मीठी मेमोरीज है जिनको हम लाइफ में हमेशा चेरिश करेंगे। एंड हैदराबाद इज़ अ प्लेस विच विल ऑलवेज स्टे क्लोज टू अवर हार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाइम्स हमने स्पेंड किए हैं जिसे कभी हम भुला ही नहीं पाएंगे। सो ऑल थैंक्स टू हैदराबाद एंड या होप टू कम बैक सून। हम अभी पहुँच गए कार्गो, मतलब जहाँ पे शीरो है, तो जय भी गया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन कुछ साइन करने, तो यस कुछ देर में ही एयरपोर्ट चले जाएंगे। पहुँच गया एयरपोर्ट एंड मैं अभी बोर्डिंग पास के लिए वेट कर रही हूँ, तो मैं भी बोर्डिंग पास के लिए वेट कर रही हूँ क्योंकि विदाउट बोर्डिंग पास आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और हमारा काइंड ऑफ लाइक बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फॉर कंपनी ट्रांसफर, सो उसमें थोड़ा अलग प्रोसीजर है, मतलब मेरा वाला अलग प्रोसीजर है, ज़्यादातर स्टाफ ही है तो उनका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड शीरू अभी एयरक्राफ्ट में चला गया है एंड आई थिंक जय जाके उससे एक बार मिलेगा, पर देखते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा है, आई विल कीप यू अपडेटेड। सो फाइनली मेड इट इनसाइड द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ, बोर्डिंग पास मिल चुका है एंड यस आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटेड इसलिए कि शेरों से मिलना है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी ये बस टाइम ख़त्म हो जाए एंड वी रिच कोलकाता एंड बस शीरो से मिलती हूँ कि कैसा है पता नहीं, उसका फर्स्ट टाइम ट्रेवल है, सो लेट्स सी।
सो यहाँ पे हम बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर रहे हैं, बैगेज ड्रॉप करना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना, एंड तब तक आप 15th का जो क्लिप है वो देख लीजिए। ये 15th अगस्त का क्लिप है जहाँ पे हमारा घर का पूरा सामान जो है पैक होके नीचे उन्होंने रखा हुआ था। उन्होंने लोडिंग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि बाहर बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड इसी के साथ मुझे ये भी याद आ गया था कि जब हम पहली बार इस फ्लैट में लाइक इस अपार्टमेंट में आए थे उसी दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आने के टाइम में भी बारिश था, अब जाने के टाइम में बारिश है। यहाँ हमारी बाइक भी पैक होके है, लाइक हमने कार, प्लांट्स, बाइक, सामान सब कुछ हमने इन्हीं पैकर्स एंड मूवर्स से मूव करवाया था। एंड जो हाउस होल्ड आइटम्स है एंड बाइक की जो पैकिंग है बहुत अच्छी से की उन लोगों ने। तो गाड़ी हम हैंड ओवर लेटर करेंगे, लाइक हम 16th को करने वाले थे पर तब तक हमें पता चल गया था कि हम 16th को मूव नहीं हो रहे, लाइक इससे कुछ 2-3 मिनट पहले हमें पता चला था। तो हम गाड़ी शायद बाहर बाद में देंगे। एंड आप देख सकते कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो वो लोग थोड़ा लेट से लाइक थोड़ा बारिश कम होने के बाद लोडिंग करना शुरू किए थे। एंड मैंने उस दिन प्रॉपर व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ना एज यू नो 14th को मैंने नाइट शिफ्ट किया एंड 15th को ना दे केम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक 6:30 को वो लोग आ गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उनको लेट नहीं करना था। तो वो लोग जल्दी जल्दी आ गए थे एंड मैं उस मूड में नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करूं, या फिर आप बोल सकते हो उस हालत में नहीं थी मैं व्लॉग शूट करूं। तो मैंने ये वाला जो क्लिप है ना मैंने वो ले लिया था ताकि आपको दिखा सकूं कि लोडिंग कैसे हो रही है। सिक्योरिटी चेक हो गया एंड नाउ बोर्डिंग स्टार्ट करना है, तो जाते हैं फटाफट। लाइक आई एम कीपिंग यू अपडेटेड बट इन स्मॉल क्लिप्स ऑफ